गाइस ससुराल सिमर का 2 देख रहे थे हम और ये है मेरी कॉफ़ी. सो आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी. सिमर सिमर तुम कहाँ चली गई थी? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया. मैं कल आके लाऊं. 6 बज चुके हैं और हम लोग ससुराल सिमर का 2 देख रहे हैं और ये देबुदा की ये क्या आ गई है? ये फेवरेट टी है मेरी. जब भी मैं 6 o'clock मैं शो को देखता हूँ तो मैं एक चाय कप पहले लेके बैठता हूँ. अभी मैं शोरूम से आया, मैं शो देखूंगा, उसके बाद शो देखने के बाद मैं 7 o'clock फिर मैं अपने शोरूम में चला जाऊंगा. ये मेरा टी टाइम है और आप लोग भी चाय के चुस्की लेते लेते ससुराल सिमर का 6 बजे कलर्स में देखिए. बड़ा मजा आएगा. अच्छा चल रहा है, स्लॉट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और TRP भी अच्छी आएगी. चेस चाय बिकॉज ये स्टारबक्स की छोटी कप है इसलिए. हाय गाइस, अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ तो मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद शाम की आरती के लिए. हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता मुखर्जीज चैनल. अभी मैं तैयार हो गई हूँ शाम की आरती के लिए तो आप मेरा लुक देख सकते हैं. मैंने पहनी है ये ग्रे साड़ी और उसके साथ ये ग्रे कलर का सेट और इयररिंग्स जो कि बालों के पीछे छुप गई है. और आप प्लीज़ बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा लगा आपको. और ये जो बिंदी आप देख रहे हैं ये मैंने पेंट किया है. सो प्लीज़ कमेंट हाउ इज़ माय ओवरऑल लुक. अरे गाइस, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई. उस दिन मैंने एक ब्राउन आईलाइनर लिया था तो वो मैंने थोड़ा बहुत अपने आईज पे मेकअप किया है. आप देख सकते हो ब्राउन आईलाइनर से मैंने वो किया है लाइनिंग और उसके ऊपर मैंने ब्लैक आईलाइनर लगाया है. तो आप बताइएगा ये कैसा लग रहा है लुक. हेलो दोस्तों, हम लोग ने माला चढ़ा दिया है. जैसे मैंने गप्पू महाराज के ऊपर ये माला चढ़ाया है और ये माला को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ. ये इधर से ऐसा है और इधर से इसको नीचे रखना पड़ेगा. ये बहुत खूबसूरत सा माला मैंने फूलों का माला चढ़ाया है और कविता जी ने ये घाट में बोल रहा था. ये घाट है, ये कलश जो हम स्थापना करते हैं तो ये हमने किया है. और आज जो है 1.5 दिन के गणपति हैं जो कि बहुत लोग 1.5 दिन का रखते हैं और आज उनका 1.5 दिन का विसर्जन है. तो गाइस, अभी हमारी शाम की आरती पूरी हो चुकी है और अभी सोच रहे हैं डिनर में क्या खाया जाए बिकॉज हम 5 दिन वेजिटेरियन खाने वाले हैं. तो कल तो मैं बदलता हूँ. हाँ, एक पनीर को हम थोड़ा मैश करके उसमें थोड़ा प्याज डाल देंगे, उसमें थोड़ा मसाला डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, आमचूर डाल देंगे और थोड़ा नमक और थोड़ा मिर्च और उसको मिला करके हम इसको स्टफ बना लेंगे और आटा गूंदेंगे. आटा गूंदने के बाद लोई बनाएंगे, लोई बना के उसके अंदर डालेंगे, डाल के ऐसे 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 गोल करेंगे फिर उसको बेल लेंगे. उसको बोलते हैं पनीर पराठा और पनीर पराठा के साथ बहुत ही लजीज What? जीरा आलू सूखा. वाह, बहुत मजा आएगा. वाह, तो वो पनीर पराठा आप बनाओगे? पनीर पराठा मैं बनाऊंगा. डन डन. चलो जीरा आलू मैं बना लेती हूँ. ओके, एंड खीर है, खीर हम खा लेंगे एंड गप्पू महाराज का लड्डू भी है वो हो जाएगा. तो हमारा डिनर हो गया. दोस्तों आपके मुंह में पानी आया तो आप लोग आज यही खाइएगा बनाकर, क्योंकि मैं कल इसको डालूंगा तो कल की बात कर रहा हूँ. तो आज तो अभी घड़ी नहीं है, आज तो अभी मेरे कल से 8:30 बज गए हैं. आप लोग का डिनर बन चुका होगा लेकिन कल जरूर खाइएगा बना करके. तो बड़ा टेस्टी बनता है और मजे लीजिएगा. एंड गणपति बप्पा आप सबकी खुशियों को 4 चांद दे, सबकी खुशियाँ पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे. खूब पढ़ो, खूब बड़े इंसान बनो, खूब 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 नाम कमाओ. थैंक यू सो मच, लव. सो गाइस, मैं ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करती हूँ. होप यू ऑल लाइक द सेकेंड डे आरती and please like, share and subscribe to my channel. गणपति जी हमारे यहाँ पे है so please एक बार आप लोग close दर्शन कर लीजिए and see you tomorrow for the 3rd day आरती.